इंदौर में इन दिनों सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं, तो वहीं जिम्मेदारों का ध्यान इन गड्ढों की ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा ने चक्का जाम कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश की मौजूदा सरकार के खिलाफत का मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद पुलिस अब हरकत में आई और चक्का जाम से पहले ही हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर भाजपा आज मोर्चे के अध्यक्ष राजेश शिरोडकर को हिरासत में लिया गया। तो वहीं शिरोड का समर्थक भवरकुआ थाने में जमा हुए और पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कमलनाथ सरकार को ट्रांसफरों में फुर्सत नहीं मिल रही, आम जनता गड्ढों में एक्सीडेंट हो रहे, बड़े बड़े गड्ढे हो गए पूरे शहर में, उसका सुधार नहीं कर रही है। आज उसी के तारतम में हमने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर चक्का जाम की घोषणा करी थी, पर चक्का जाम के पूरे मुझे घर से गिरफ्तार कर लिया और यहाँ थाने ले आए।